संगरिया से राजेश शर्मा की रिपोर्ट आ रही है। संगरिया क्षेत्र के गांव मालारामपुरा से 6 किलोमीटर से अधिक अफीम पकड़े जाने का समाचार जानने के लिए संगरिया थाना पहुंचे पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करने और समाचार विवरण सहित नहीं देने से रोष व्यक्त पत्रकारों ने थाना संगरिया के सामने सांकेतिक धरना लगा दिया। इसके साथ ही पत्रकारों का शिष्टमंडल हनुमानगढ़ जिला पत्रकारों के संघ थाना प्रभारी हनुमान राम बिश्नोई को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से उठाई जाने वाली कार्रवाई हनुमानगढ़ एसपी के सामने रखी गई है। अब एसपी क्या कार्रवाई करेंगे ये देखने की बात है। मामले दर्ज नहीं करना, जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना है कि कोई भी पीड़ित आए किसी तरह के एप्लीकेशन लेकर और तो उनकी सुनवाई करें और मामला दर्ज हो, लेकिन ऐसा नहीं है। संग्रह में चोरी की जो घटनाएं होती है उनमें FIR नहीं करते और भी अगर कोई गरीब चला जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो ऐसी काफ़ी शिकायतें हैं। तो हम आज हनुमानगढ़ आए और हमारी ये मांग है कि इस तरह जो थाना प्रभारी है उनको वहाँ से हटाया जाए दरबार से, और संग्रह के अंदर जो होता है चिता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही प्रभावी रूप से। उसी तरह युवक है जो इंजेक्शन लगा के 2 युवकों की मौत हो गई थी, एक ढाबा का था तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो ढाबा चौकी प्रभारी बेटे SS पाल जी उनके भी कार्यशैली वो संदिग्ध है। जैसे आप ढाबा के कम 10 ऐसे लोग हैं जो जिनको हरियाणा पुलिस पकड़ के ले गई NDPS में और वो वहाँ जेलों में बंद है, जबकि जो ढाबा चौकी प्रभारी है वो काफ़ी समय वहाँ बैठे, उन्होंने एक भी मामला NDPS का ढाबा में नहीं किया। इसे ये साफ जाहिर है। हमारे साथ प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, इनसे भी जानते हैं कि आपके पास क्षत्रिया से पत्रकार आए हैं, DI के व्यवहार को लेकर क्या कहेंगे? जैसे ये पत्रकार आए हैं क्षत्रिया से थाना में दूंगा तो चलो प्रकरण का अफीम का जानकारी लेने के लिए थाने में गए थे और जो SHO हनुमाना राम जी बिश्नोई उन्होंने इनको ये कहा कि आप थाने में किससे पूछ कर आए। तो मैं हनुमाना राम जी से पूछना चाहता हूँ कि ये कोई आतंकवादी है, और अगर ये आतंकवादी हैं और थाने आए तो आप इनको अंदर कर दो। बात यह है कि आम जन या पत्रकार अगर थाना जाएगा तो थाना किसी का खरीदा हुआ थोड़ी है, थाने में जाएंगे अपनी जानकारी लेने के जाएंगे। अगर ये कोई गलत काम कर रहे हैं आप कार्रवाई करो, वरना आपको क्या अधिकार है किसी को रोकने का। और मैं ये भी बता दूँ कि हनुमाना राम जी पहले हनुमानगढ़ जंक्शन में भी SHO रहे हैं, तब भी जो इनकी यही शिकायतें थी आम जन के प्रति मीडिया के कि इनका व्यवहार उचित नहीं है, और आज जो वो जिस तरह से रोक रहे हैं तो ये बिल्कुल निंदनीय है। और हमारी यही मांग है कि इनको वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि पत्रकार तो चलो एक आंदोलन कर लेंगे, हम बड़े अधिकारियों तक बात पहुँचा देंगे, मगर यही व्यवहार उनका अगर आमजन के साथ है तो फिर आमजन कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगा। अगर ऐसे अधिकारी को फिर फील्ड पोस्टिंग दी क्यों जा रही है जिनके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, और इस तरह से अगर वो व्यवहार कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरा निवेदन है माननीय SP साहब से कि वो इस तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अगर उनके नीचे का एक अधिकारी इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो निश्चित रूप से आमजन तो परेशान होगा ही, यहाँ तो प्रेस